हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग जीओसी लेक्चर नंबर 34 करेंगे। तो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन की क्लासिफिकेशन। तो एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन मैंने आपको बताया, टू टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन मीन्स विस्थापन, मतलब एक को हटाकर दूसरे को आ जाना क्या कहलाता है, तो सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? तो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक एटम और ग्रुप रिप्लेस होता है अनदर एटम और ग्रुप द्वारा, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। टू टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? तो एक ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें अटैकिंग स्पेसिस न्यूक्लियोफाइल होगी इन फर्स्ट स्टेप ऑन सबस्टेट, मतलब सबस्टेट के ऊपर पहली बार अटैक करने वाला। एक ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें सबस्टेट के ऊपर अटैक करने वाला फर्स्ट स्पेसिस न्यूक्लियोफाइल होंगी, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके टिपिकल एग्जांपल मैंने आपको बताया कि रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद एक्वस एनओएच और एक्वस क्यूएच इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब एल्काइल हैलाइड में एक्वस एल्काइल हैलाइड को अगर एक्वस एनओएच और एक्वस क्यूएच के साथ रिएक्शन कराइए तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एग्जाम्पल है। टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसकी रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेट एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएजेंट, ऑर्डर ऑफ सच रिएक्शन विल इक्वल टू 2 कहलाता है बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके एग्जाम्पल रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड विद एक्वस एनओएच और एक्वस क्यूएच इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसकी मैकेनिज्म हमने देखा कि ड्यू टू लिटिल स्टेरिक एट कार्बन ऑफ एल्काइल हैलाइड के कार्बन के ऊपर बहुत कम स्टेरिक होने के कारण न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, अलविंग ग्रुप फ्रंट साइड से डिपार्ट करती है और सब्स्टिट्यूशन हो जाती हैं। इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री हमने देखा कि स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन कि स्टीरियोकेमिस्ट्री में कि अगर रिएक्टेंट की कॉन्फिगरेशन आर टाइप की है तो प्रोडक्ट की कॉन्फिगरेशन एस टाइप हो जाती है, मतलब इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो जाता। तो ध्यान रखेंगे SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होती है। फिर हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन पढ़ा। फर्स्ट वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्टेट, तो वह एल्काइल हैलाइड जिसमें कार्बन के ऊपर लिटिल स्टेरिक होगी वो क्या देगा, प्रीडोमिनेंटली SN2 देगा। जैसे ओबीसी प्राइमरी मिथाइल हैलाइड में प्रीडोमिनेंटली SN2 होती है, उसे कम होता है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में, उससे कम होता है सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में, और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड में SN2 नहीं के बराबर होती हैं। फिर मैंने आपको बताया सेकेंड फैक्टर जो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन को अफेक्ट करता है, दैट इज द नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। जितनी बेटर लिविंग ग्रुप होती है उतनी ज़्यादा रेट ऑफ SN2 रिएक्शन होती हैं। तो लिविंग एबिलिटी डिपेंड करता है स्टेबिलिटी के ऊपर, जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी ग्रुप की, लिविंग ग्रुप की, उतनी ज़्यादा लिविंग एबिलिटी होती है। तीसरी फैक्टर मैंने आपको बताया SN2 रिएक्शन को अफेक्ट करने वाला, दैट इज द न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है? तो रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो ऑब्वियसली जो चार न्यूक्लियोफाइल होती है मोर रिएक्टिव होती है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में, ऑब्वियसली चार न्यूक्लियोफाइल में जिसके पास मोर नेगेटिव चार्ज होती है वो ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। फिर मैंने आपको बताया कि सॉल्वेंट का इफेक्ट भी न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऊपर पड़ता है। अगर आप पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट लेंगे तो वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जाता था या माइनस का। तो ये सारा मैंने आपको डिस्कस करा पिछले लेक्चर में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज SN1 रिएक्शन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शॉर्ट में से हम लोग कहते हैं SN1 रिएक्शन।
एस एन वन मतलब एन मतलब न्यूक्लियोफिलिक, एस मतलब सब्स्टिट्यूशन, वन मतलब वन, तो यूनि मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब एस एन वन रिएक्शन। तो व्हाट इज यूनि मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? ये यूनि मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? तो एक ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसकी रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्टेट के ओनली, और इंडिपेंडेंट हो न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन के। ऐसे रिएक्शन की जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है वो वन होती है, कहलाता है यूनि मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यूनि मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? तो एक ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन whose rate of reaction is directly proportional, जिसकी rate of reaction directly proportional हो किसके? तो directly proportional to concentration of substrate, to directly proportional of concentration of substrate only, order of such reaction, ऐसे reaction की जो order of reaction होती है, इज वन, वन होती है, कहलाता है कॉल्ड यूनिमोलिकुलर, दैट इज कॉल्ड यूनिमोलिकुलर, उसे हम लोग क्या कहते हैं? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दैट इज कॉल्ड यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, शॉर्ट में SN1 रिएक्शन। तो एक ऐसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक ऐसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसकी रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्टेट वनली, ऐसी रिएक्शन की जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है वन होती है, कहलाता है यूनि मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दैट इज इसका मतलब, दैट इज फॉर SN1 रिएक्शन के लिए क्या होती है? तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली होता है प्रोपोर्शन होता है किसके? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्टेट वनली, मतलब यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी? तो पावर एम वन, इसलिए यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई? तो वन होगी। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई? तो वन होगी। तो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? तो एक ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसकी रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो किसके? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्टेट वनली, ऐसी रिएक्शन की जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है वन होती है, कहलाता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसे हम लोग क्या कहते हैं? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसकी एग्जाम्पल, टिपिकल एग्जाम्पल, मोस्ट सुटेबल एग्जाम्पल, रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को अगर हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? तो एक्वस NaOH और एक्वस KOH के साथ। ध्यान दीजिए, सॉरी, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को अगर हम रिएक्शन कराते हैं एक्वस NaOH और एक्वस KOH के साथ, वो एग्जाम्पल है SN2 रिएक्शन की। जबकि अगर हम टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड को अगर आप रिएक्शन कराइए न्यूक्लियोफाइल के साथ, मतलब एक्वस NaOH और एक्वस KOH के साथ, तो एक एग्जाम्पल, एक टिपिकल एग्जाम्पल, एक मोस्ट सुटेबल एग्जाम्पल है किसकी? SN1 रिएक्शन की। तो टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ, टिपिकल मतलब मोस्ट सुटेबल, टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ SN1 रिएक्शन की टिपिकल एग्जाम्पल, मोस्ट सुटेबल एग्जाम्पल। तो रिएक्शन ऑफ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, रिएक्शन ऑफ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड विथ एक्वस NaOH और एक्वस KOH इज एन एग्जाम्पल ऑफ SN1 रिएक्शन। एक एग्जाम्पल है किसके? SN1 रिएक्शन की। जैसे अगर आप टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड ले लिए और इसको और आप एक्वस NaOH या एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराइए, मतलब पानी में घुला हुआ NaOH और KOH के साथ रिएक्शन कराइए, तो ये क्या दे देगा? तो दिस विल गिव यू, ये आपको दे देगा क्या? तो ये सी एस थ्री ओबीसी OH प्लस NaCl। ओबीसी एक्वा सोल्यूशन के अंदर अगर आप NaOH लेंगे, अगर एक्वा सोल्यूशन के अंदर आप NaOH लेंगे तो वो डिसोसिएट कर जाता है किस में? तो Na प्लस और OH माइनस में। तो या इसी को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ये C है, ये ऑब्वियसली ये सी एस थ्री है,
ए सी एस थ्री है, ओबीसी ए सी एस थ्री है, अगर इसे हम टीट करा दे, ओबीसी से टीट करा दे, एक्वस यूनिज करने का मतलब यहाँ पर ओएच माइनस है, ओएच माइनस के साथ, तो ओएच माइनस क्या करता है तो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है और क्लोरीन को हटा करके ये क्या दे देगा, तो सी एस थ्री सी, ये सी एल सी एस थ्री, ये सी एस थ्री, ये ओ एच, ये सी एल माइनस। तो ये एक एग्जाम्पल है किसकी, तो यूनी मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, मतलब एस एन वन रिएक्शन की। तो व्हाट इज द एस एन वन रिएक्शन या यूनी मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? तो एक ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसकी रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट वनली, ऐसी रिएक्शन की जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है वो वन होती कहलाता है यूनी मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसकी रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट वनली, ऐसी रिएक्शन की जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती वन होती है कहलाता है यूनी मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, शॉर्ट में एस एन वन रिएक्शन। मतलब एस एन वन रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट टू द पावर वन, इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वन हो जाएंगी। तो टिपिकल मतलब मोस्ट सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ इस ध्यान न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एग्जांपल क्या है, तो रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद एक्वस एओएच, एक्वस एनओएच, ओबीसी रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद एक्वस एनओएच, एक्वस केओएच, ओबीसी रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद एक्वस एनओएच, एक्वस केओएच, या सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन कराई या एनएसएन के साथ रिएक्शन कराई। तो ये सारा एग्जाम्पल किसका है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। उसमें अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को आप एक्वस एनओएच और एक्वस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक एग्जांपल एसएन2 रिएक्शन की, क्योंकि वहां पर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में कार्बन के ऊपर लिटिल स्टेरिक होती है, इसके कारण न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, लिविंग ग्रुप फ्रंट साइड से डिपार्ट करती है, तो ट्रांजिशन स्टेट में बोथ मतलब सब्सट्रेट और न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व होता है, तो ऐसे रिएक्शन की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो जाती है, कहलाता है बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अगर एसएन1 रिएक्शन की एग्जांपल अगर पूछा जाए तो रिएक्शन ऑफ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड विद एक्वस एनओएच और एक्वस का जो एग्जांपल है किसकी, तो एसएन1 रिएक्शन की। जैसे यहां पर ये टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड को अगर आप एक्वस एनओएच या एक्वस केओएच के साथ रिएक्शन कराइए तो ये टर्शियरी अल्कोहल प्लस एनएसीएल दिया है, तो ऑब्वियसली या इसी को आप जानते हैं कि एक्वस एनओएच में एनए प्लस अलग होगी, ओएच माइनस अलग होगी, एनए प्लस जस्ट स्पेक्टेटर आयन होता है, वो किसी तरह का कोई रिएक्टिविटी शो नहीं करता। तो सिंपल हम एक्वस एनओएच की जगह पर आप ओएच माइनस भी लिख सकते हैं कि अगर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड को हम ट्रीट करें ओएच माइनस के साथ तो ये क्या करेगा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो ये एग्जाम्पल है किसकी, तो एसएन1 रिएक्शन की। कैसे, तो इसकी मैकेनिज्म को हम लोग देखते हैं। तो हम लोग यदि इसकी मैकेनिज्म को देखें, यदि इसकी मैकेनिज्म को देखें तो मैकेनिज्म ऑफ एसएन वन रिएक्शन, जैसे आपने देखा कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड को अगर हम रिएक्शन कराते हैं एक्वस एनओएच और एक्वस केओएच के साथ, एक एग्जांपल है किसकी, एसएन वन रिएक्शन की। इसकी मैकेनिज्म, तो स्टेप फर्स्ट में टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में ध्यान रखें, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में कार्बन से तीन तीन अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में कार्बन से तीन तीन अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, मतलब यहां पर न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस है। आप जानते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ ग्रुप के, जो स्टेरिक हिंड्रेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो साइज ऑफ ग्रुप के, जो स्टेरिक हिंड्रेंस होती है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ ग्रुप के। तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस एट कार्बन ऑफ सबस्टेट, इस कार्बन के ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण, इस कार्बन के ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली अटैच नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ पर पहले स्टेप में क्या होगी, तो ब्रेकिंग होगी किसकी, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की। तो पहले स्टेप में क्या होती थी, यहाँ ब्रेकिंग होती है किसकी, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की, और फॉर्म करता है कार्बोकैटायन। तो यहाँ पर स्टेप फर्स्ट में ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस एट कार्बन ऑफ सबस्टेट न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट अटैक डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता है, कैन नॉट अटैक डायरेक्टली। सो फर्स्ट, इसीलिए सर्वप्रथम क्या होगी, तो फर्स्ट आयनाइजेशन ऑफ, इससे पहले क्या होगी, आयनाइजेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टेक प्लेस। तो फर्स्ट आयनाइजेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड
कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टेक प्लेस, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टेक प्लेस। तो पहले क्या होती है, तो अनुनासन होती है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की। तो बेसिक यहां पर क्या होगी, तो ये जो हेलोजन है इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, जब हीटिंग करेंगे तो बेसिक ये हेलोजन और कार्बन बॉन्ड टूट जाएगा, मतलब यहां पर क्या होगी, तो फॉर्म होगी एंड फॉर्म, और फॉर्म करता क्या, तो एंड फॉर्म कार्बोकेटान, और फॉर्म करता कार्बोकेटान। तो स्टेट फर्स्ट में ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस एट कार्बन और सबस्टेट, सबस्टेट के कार्बन के ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण ओबेसी न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता, इसलिए पहले आयनाइजेशन होगी, ब्रेकिंग होगी किसकी, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की, और फॉर्म करेगा क्या, तो कार्बोकेटान, और ये फॉर्म करेगा क्या, तो ये सी एस थ्री, ये सी, ये सी एस थ्री, ये ओबेसी, ये सी एस थ्री, ये कार्बोकेटान प्लस ये क्या, तो सी एल माइनस। तो ऑब्वियसली ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस एट कार्बन सबस्टेट, सबस्टेट के कार्बन के ऊपर, सबस्टेट के कार्बन के ऊपर, सबस्टेट के कार्बन के ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस एट कार्बन सबस्टेट, ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट अटैक डायरेक्टली, इससे पहले क्या होती है, तो अयनाइजेशन होती है, ब्रेकिंग होती है किसकी, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की, और फॉर्म करता है कार्बोकेटान। दिस स्टेप इज स्लो, ये जो स्टेप होती है, क्योंकि बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, जहां भी बॉन्ड टूटता है उसमें एनर्जी लगती है, इस कारण से वो स्टेप स्लो होता है। तो दिस स्टेप, ये जो स्टेप होती है, दिस स्टेप इज स्लो, ये जो स्टेप होती है स्लो होती है, दिस स्टेप इज स्लो, ये स्लो होती है, सो आर डी एस, इसलिए सो इट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसलिए क्या होती है, इट इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इट इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, शॉर्ट में कहते रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब शॉर्ट में कहते आर डी एस होती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस एट कार्बन ऑफ सबस्टेट, सबस्टेट के कार्बन के ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर डायरेक्टली अटैक नहीं करेगा, तो पहले यहाँ पर क्या होती है, तो ब्रेकिंग होती है किसकी, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की, अयनाइजेशन होती है किसकी, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की, और फॉर्म करता क्या, तो कार्बोकेटान, और ये स्टेप स्लो होती है, इट इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और सेकेंड स्टेप में, और दूसरे स्टेप में क्या होती है, तो सेकेंड स्टेप में, दूसरे स्टेप में क्या होती है, तो स्टेप सेकेंड में, स्टेप सेकेंड में क्या होती है, तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दूसरे स्टेप में क्या होता है, तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की अटैक होती है, सेकेंड स्टेप में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की अटैक होती है सेकेंड स्टेप में। तो ऑब्वियसली मैं, तो यहाँ पर ये जो टर्शियरी कार्बोकैटायन बना, ये जो टर्शियरी कार्बोकैटायन बना, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये टर्शियरी कार्बोकैटायन यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ऑब्वियसली यहाँ ओ एच माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल, ऑब्वियसली ये इसके ऊपर क्या करेगा, तो अटैक करेगा, एंड दिस स्टेप इज फास्ट, ये ऑब्वियसली पॉजिटिव है, निगेटिव है, तो ये क्या हो जाता, तो फास्ट हो जाता है, और ये फॉर्म कर देता क्या, तो ये सी एस थ्री, ये सी एस थ्री सी, ये सी एस थ्री, ये सी एस थ्री, ये क्या, तो ओ एच, ये दिट इज अ फास्ट स्टेप, तो ये क्या होती है, तो फास्ट स्टेप होती है। तो ऑब्वियसली, तो हम लोग केमिकल काइनेटिक में पढ़ा है, हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक क्या पढ़ा है, कि मल्टीपल स्टेप रिएक्शन, मतलब एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जो बहुत सारे स्टेप में हो रही है, उसमें जो स्लोएस्ट स्टेप होती है, ये आपकी क्या है, ये स्लो स्टेप है, क्यों, क्योंकि यहाँ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, इसमें एनर्जी लग रहा है। तो ऑब्वियसली मल्टीपल स्टेप रिएक्शन, अगर कोई केमिकल रिएक्शन बहुत सारे स्टेप में हो रही है, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक, केमिकल काइनेटिक के कॉन्सेप्ट के अनुसार, यदि कोई केमिकल रिएक्शन बहुत सारे स्टेप में होती है, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, और जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप। तो बेसिक यहाँ पर तो सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण बहुत तेजी से जाकर के इससे चिपक गया, लेकिन केमिकल काइनेटिक कहता है कि यदि कोई केमिकल रिएक्शन बहुत सारे स्टेप में हो रही है, तो ऐसे केस में जो स्लोएस्ट स्टेप होगी वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी, और जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप। तो बेसिक फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक, तो फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक, केमिकल काइनेटिक के कॉन्सेप्ट से हम कह सकते हैं, फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक, और बेसिक काइनेटिक के कॉन्सेप्ट के, इन मल्टीपल स्टेप रिएक्शन, मतलब एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जो बहुत सारे स्टेप में होती है, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप होती है, स्लोएस्ट स्टेप होती है इन मल्टीपल स्टेप रिएक्शन, स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो स्लोएस्ट स्टेप होती है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है एंड जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, एंड रेट ऑफ रिएक्शन जो होता विल डायरेक्टली प्रोपोर्शन, रेट ऑफ रिएक्शन विल डायरेक्टली प्रोपोर्शन
और जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो डायरेक्टली रेट ऑफ रिएक्शन विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप। मतलब यहां पर कह सकते हैं दैट इज यहां जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप का रिएक्टेंट कौन सा है, तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, दैट इज CH3, ये CCl है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्टेट के। इस कारण से यहां पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, वो कितनी हो गई, इसे यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई, तो यहां पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी होगी तो वन होगी। मतलब यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। तो ऑब्वियसली जब हम टर्शियरी अल्काइल हैलाइड को एक्वस NaOH और एक्वस CoS के साथ रिएक्शन कराते हैं तो न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली सबस्टेट के कार्बन के ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा, अल्काइल हैलाइड के कार्बन के ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहां पर क्या है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस एट कार्बन ऑफ सबस्टेट न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट अटैक डायरेक्टली। सो फर्स्ट अमोनियासिंग और ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होती है और फॉर्म करता है कार्बोकैटायन, ये स्टेप स्लो होती है। ऑब्वियसली जैसे ही कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता, मतलब ये फास्ट होती है। तो केमिकल काइनेटिक की कॉन्सेप्ट कहता है कि मल्टीपल स्टेप रिएक्शन, अगर कोई केमिकल रिएक्शन बहुत सारे स्टेप्स में हो रही है तो ऐसे केमिकल रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप होती है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, और रेट ऑफ रिएक्शन जो होता वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप। तो ये भी एक मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है जिसमें से ये फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, तो स्लोएस्ट है, इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप। मतलब यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल होगी किसके, तो सबस्ट्रेट के। मतलब यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वन हो गया, मतलब एक एग्जांपल हो गई किसकी, SN1 रिएक्शन की, मतलब यूनिमोलेक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। तो हम रिएक्शन कराते हैं टर्शियरी अल्काइल हैलाइड को, जब हम रिएक्शन कराते हैं टर्शियरी अल्काइल हैलाइड को एक्वस NaOH और एक्वस CoS के साथ, एक एग्जांपल है किसकी, तो SN1 रिएक्शन की। ठीक है, नाउ स्टीरियोकेमिस्ट्री इन SN1 रिएक्शन में प्लेनर कार्बोकैटायन के ऊपर, ये कार्बोकैटायन है, प्लेनर है, आप जानते हैं इस कार्बन की अगर हाइब्रिड स्टेट पूछी जाए तो ये कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर तो है नहीं, तो इस कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या है, तो sp2 है। मतलब ये क्या है, तो प्लेनर है, प्लेनर है। तो SN1 रिएक्शन में प्लेनर कार्बोकैटायन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों से अटैक करता है इन इक्वल एक्सटेंट। जैसे ये अगर आपका कार्बोकैटायन है, ये अगर कार्बन है, ये प्लेनर कार्बोकैटायन, मतलब ऐसे कार्बोकैटायन जो दीवार में जाकर चिपक जाए, धरती में जाकर चिपक जाए, ये प्लेनर कार्बोकैटायन। तो इस प्लेनर कार्बोकैटायन के ऊपर ओबीसी अगर फ्रंट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इस तरह से हो जाएंगे, और अगर रियर साइड से अटैक करेगा तो ओबीसी इस तरह से हो जाएंगे, ये स्टेप हो जाएगा, और इधर से अटैक करेगा तो इधर हो जाएंगे, और इधर से अटैक करेगा तो ऐसे स्टेप हो जाएंगे, है ना। अगर मान लेते हैं न्यूक्लियोफाइल यदि ये प्लेनर कार्बोकैटायन है, यदि इधर से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, अगर इधर से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ऑब्वियसली ये इस तरह से शेप ले लेगा, इस तरह से, ये मतलब आर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगे। और अगर मान लेते हैं कि इस कार्बोकैटायन के ऊपर इधर से अटैक करा तो इस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगे। मतलब SN1 रिएक्शन में प्लेनर कार्बोकैटायन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से और रियर साइड से दोनों से इक्वल एक्सटेंट में अटैक करता है, जिसके कारण इक्विमोलर मिक्सर फॉर्म होती है, और एस की मतलब इक्विमोलर मिक्सर फॉर्म होती है, मतलब बराबर मोल में फॉर्म होता है आर की और एस टाइप की, मतलब डेक्स्ट्रो टाइप की और लिवो टाइप की, मतलब इक्विमोलर मिक्सर ऑफ आर एंड एस, या इक्विमोलर मिक्सर ऑफ डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लिवो रोटेटरी कंपाउंड को कहते हैं रेसमिक मिक्सर। तो ऑब्वियसली इन SN1 रिएक्शन,
इन SN1 रिएक्शन में क्या होती है, SN1 रिएक्शन में ऑन प्लेनर कार्बोकैटान के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम फ्रंट एंड बैक साइड विथ इक्वल एक्सटेंट बराबर एक्सटेंट में। तो ऑब्वियसली इन SN1 रिएक्शन ऑन प्लेनर कार्बोकैटान न्यूक्लियोफाइल अटैक करता फ्रॉम फ्रंट एंड बैक साइड विथ इक्वल एक्सटेंट, सो इसीलिए फॉर्म करता है, सो फॉर इक्विमोलर मिक्सर, इसलिए फॉर्म करता है इक्विमोलर मतलब बराबर मोल में इक्विमोलर मिक्सर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लिवो कंपाउंड, डेक्स्ट्रो मतलब डी कंपाउंड, डेक्स्ट्रो एंड लिवो कंपाउंड that is also called racemic mixer. Hence in SN1 reaction racemization होती है, मतलब racemic mixer for racemization take place। जैसे SN2 reaction में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती, उसी तरह से SN1 रिएक्शन में रेसमाइजेशन होती है, मतलब बराबर मोल में डेक्स्ट्रो और लिवोरोटेटरी कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री SN1 रिएक्शन में ऑन प्लेनर कार्बोकैटान के ऊपर न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों साइड से अटैक करता है विथ इक्वल एक्सटेंट, इस कारण से इक्विमोलर मिक्सर फॉर्म करता है किसकी, तो डेक्स्ट्रो लिवो कंपाउंड की, मतलब ये रेसमिक मिक्सर फॉर्म करता है। इसलिए SN1 रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कि SN1 रिएक्शन में रेसमाइजेशन होती है, SN1 रिएक्शन में क्या होती है, तो रेसमाइजेशन होती है। तो ऑब्वियसली SN1 रिएक्शन प्लेनर कार्बोकैटान के ऊपर न्यूक्लियोफाइल फ्रंट और बैक साइड दोनों से अटैक करता है विद इक्वल एक्सटेंट, इसलिए ये फॉर्म कर देता है इक्विमोलर मिक्सर, बराबर मोल में मिक्सर फॉर्म करता है डेक्स्ट्रो और लिवो कंपाउंड, मतलब जितनी मोल डेक्स्ट्रो फॉर्म की फॉर्म होगी उतना ही मात्रा में लिवो फॉर्म भी फॉर्म होती है, मतलब इक्विमोलर मिक्सर ऑफ डेक्स्ट्रो और लिवो कंपाउंड फॉर्म हो जाती है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि SN1 रिएक्शन में क्या होती है, रेसमाइजेशन टेक प्लेस, मतलब रेसमिक मिक्सर फॉर्म होती है। तो याद रखें SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन होती है जबकि SN1 रिएक्शन में रेसमाइजेशन होती है, SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन होती है और SN1 रिएक्शन में क्या होती है, तो SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन होता है, SN1 में रेसमाइजेशन होता है। ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, टू स्टेप रिएक्शन है, मतलब इसका अगर पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करिएगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करिएगा, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी ले रहे, तो बेसिक यहाँ पर रिएक्टेंट था आपका, ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड दैट इज CH3, ये CH3, ये होल 3 CCl था और प्लस ऑब्वियसली एक्वस OH ये था। ऑब्वियसली इसमें पहला स्टेप में जो स्लो स्टेप था इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगी, मतलब यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, मतलब ये स्टेप आपका क्या हुआ, तो स्लो हुआ। तो फर्स्ट स्टेप में एक्टिवेशन एनर्जी कितनी लगी, तो बहुत ज़्यादा लगी, मतलब ये स्टेप क्या था, स्लो था, जबकि दूसरे स्टेप में क्या हुई, तो बहुत कम एक्टिवेशन एनर्जी लगी, मतलब ये क्या हुआ, तो ये ऑब्वियसली दूसरे स्टेप में बहुत कम एक्टिवेशन एनर्जी लगी, मतलब ये स्टेप क्या था, तो फास्ट, ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑब्वियसली ये टू। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा थी तो स्लो था, यहाँ पर सेकेंड स्टेप में एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा लगी, मतलब ये क्या है, तो फास्ट है, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा लगी, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा लगी, मतलब ये क्या है, तो ये ऑब्वियसली ये स्टेप आपकी क्या है, तो स्लो है, और ये स्टेप क्या है, ये स्टेप आपकी स्लो है, और ये स्टेप आपका क्या है, तो फास्ट है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री SN1 रिएक्शन में क्या होती, तो प्लेनर कार्बोकैटान के ऊपर न्यूक्लियोफाइल फ्रंट और बैक साइड दोनों से अटैक करता विद इक्वल एक्सटेंट, मतलब बराबर मात्रा में, इसलिए इक्विमोलर मिक्सर फॉर्म हो जाती है, बराबर बराबर मोल में डेक्स्ट्रो और लिवो कंपाउंड फॉर्म होता है, मतलब रेसमिक मिक्सर फॉर्म होती है। इसलिए हम लोग कहते हैं SN1 रिएक्शन में रेसमाइजेशन होती है, ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होता है ना, इसमें दो बार एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी, पहले स्टेप में ज़्यादा है ना, पहले स्टेप में ज़्यादा क्योंकि स्लो है, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, दूसरा स्टेप में एक्टिवेशन एनर्जी कम क्योंकि ये फास्ट हो रही है। दिस वन नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन किन किन कारणों से प्रभावित होती है,
तो फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन को अफेक्ट करने वाली फैक्टर्स, तो फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर ऑफ सबस्टेट। तो ऑब्वियसली SN1 रिएक्शन कहां पर होगी, जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस होगी कार्बन ऑफ सबस्टेट के ऊपर। तो सबस्टेट जिसमें कार्बन के ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस होगी और जो फॉर्म करेगा मोर स्टेबल कार्बोकेटन, तो वह सबस्टेट। तो आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर फैक्टर अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन में कि सबस्टेट वैसे सबस्टेट, सबस्टेट मतलब यहां पर एल्काइल हैलाइड से, या कि ये एल्काइल हैलाइड, यहां पर सबस्टेट कौन सा है, एल्काइल हैलाइड हैविंग स्टेरिक हिंड्रेंस, हैविंग स्टेरिक हिंड्रेंस एट कार्बन, स्टेरिक हिंड्रेंस एट कार्बन एंड फॉर्म, और फॉर्म करता हो एंड कैन फॉर्म एंड फॉर्म मोर स्टेबल एंड कैन फॉर्म मोर स्टेबल एंड कैन फॉर्म एंड कैन फॉर्म एंड कैन फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकेटायन एंड कैन फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकेटायन एंड कैन फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकेटायन प्रीडोमिनेंटली गिव्स, मतलब मुख्य तौर पर वो क्या देता है, तो प्रीडोमिनेंटली अंडरगोज फॉर SN1 रिएक्शन। तो कह रहा कि पहली फैक्टर जो SN1 रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ सबस्टेट। तो ऐसे सबस्टेट जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस होगी कार्बन के ऊपर, मतलब एल्काइल हैलाइड के कार्बन के ऊपर अगर स्टेरिक हिंड्रेंस होगी और जो फॉर्म करेगा मोर स्टेबल कार्बोकेटन, क्योंकि वह सबस्टेट जिसमें कार्बन के ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, एल्काइल हैलाइड के कार्बन के ऊपर अगर स्टेरिक हिंड्रेंस होगी तो न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली अटैक नहीं कर पाएगा, तो पहले वहां पर क्या होगी, तो अनासन होगी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की, तो अनासन होगी तो क्या होगा, तो कार्बोकेटन फॉर्म करेगा। तो वह सबस्टेट जो मोर स्टेबल कार्बोकेटन फॉर्म करे तो आसानी से ब्रेकिंग होगी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की। तो वह सबस्टेट जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस हो कार्बन के ऊपर और जो फॉर्म करता हो मोर स्टेबल कार्बोकेटन, और जो फॉर्म करता हो मोर स्टेबल कार्बोकेटन, वो क्या देता, तो दैट गिव SN1 रिएक्शन, वो हमें क्या देता है, तो SN1 रिएक्शन देता है। यही कारण है, इसलिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है, इसे जो रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN1 रिएक्शन, अगर रिएक्टिविटी मतलब रिएक्शन करने की जो गति है उसका अगर क्रम पूछा जाए, रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN1 रिएक्शन जो होती है बेंजाइलिक, दैट इज C6H5, ये बेंजाइलिक हैलाइड जो होता, बेंजाइलिक हैलाइड इसमें जो रिएक्टिविटी होती है वो बेसी ज़्यादा होती है। यहाँ पर अगर CH3 अगर आ जाए, मतलब यहाँ पर इधर भी CH3 इधर CH3 ध्यान दीजिए, बेंज रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन क्या कहलाता है, बेंजाइलिक कार्बन, बेंजीनिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन क्या, तो बेंजाइलिक कार्बन। और यहाँ कार्बन तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस, अगर ऑब्वियसली यहाँ पर आर आर ग्रुप रह जाए, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आर आर ग्रुप हो जाए तो और ज़्यादा स्टेरिक हो जाएगी, तो और ज़्यादा रिएक्टिविटी हो जाएगी SN1 रिएक्शन की। तो ऑब्वियसली जो बेंजाइलिक एल्काइल हैलाइड होती है उसमें जो रिएक्टिविटी होती है, यानी बेंजीनिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन कहा जाता है, बेंजीनिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन कहा जाता है, उस पर हैलोजन अगर है तो बेंजाइलिक हैलाइड, तो बेंजाइलिक हैलाइड की जो रिएक्टिविटी SN1 रिएक्शन की ज़्यादा होती है किसे, तो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड से। टर्शियरी एल्काइल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी SN1 रिएक्शन की ज्यादा होती है किससे, तो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड से, और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड की ज्यादा होती है ऑब्वियसली किससे, तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में प्रीडोमिनेंटली क्या होता है SN, इसमें प्रीडोमिनेंटली SN2, और इसमें प्रीडोमिनेंटली क्या होगा, इसमें प्रीडोमिनेंटली SN1, और इसमें प्रीडोमिनेंटली क्या होगा, तो इसमें ऑब्वियसली क्या होगी, तो SN1 होती है प्रीडोमिनेंटली, और यहां पर क्या होगा SN2 प्रीडोमिनेंटली क्या होती है, तो SN2 क्योंकि यहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो वही कह रहा है कि वैसे सबस्टेट, वैसे स्ट्रक्चर, वैसे एल्काइल हैलाइड जिसमें कार्बन के ऊपर बहुत ज्यादा स्टेरिक हो और ये मोर स्टेबल कार्बोकेटन फॉर्म करे, तो ये क्या होगा, तो SN1 रिएक्शन में जाएगा। तो वैसे स्ट्रक्चर, वैसे सबस्टेट, वैसे एल्काइल हैलाइड जिसमें कार्बन के ऊपर ज्यादा स्टेरिक हो और ये मोर स्टेबल कार्बोकेटन फॉर्म करता हो, तो वो क्या होगा, तो प्रीडोमिनेंटली SN1 जाएगा। तो ये इसलिए जो बेंजाइलिक एल्काइल हैलाइड होती है, बेंजाइल हैलाइड होती है,
जो बेंजाइल हैलाइड होती है ये C6H5CH2 दैट इज कॉल्ड बेंजाइल ग्रुप, इस पर हैलोजन है, तो बेंजाइल हैलाइड में क्या होता है तो बी डोमिनेंटली SN1 होता है, क्योंकि ये स्टेरिक भी है और ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म करता है। तो इसे बेंजाइलिक हैलाइड ये क्या होता तो जो बेंजाइल हैलाइड है वो SN1 रिएक्शन देता है प्रीडोमिनेंटली, उससे इसमें सबसे ज्यादा होती है SN1, उसके बाद इसमें प्रीडोमिनेंटली ये ऑब्वियसली प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम, इसलिए आसानी से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, बैक साइड से लिविंग ग्रुप डिपार्ट करेगी, फ्रंट साइड से इसलिए इसमें SN2 होती है। तो ध्यान रखेंगे कि वो ऐसे सबस्टेट जिसमें कार्बन के पास स्टेरिक हिंड्रेंस हो और मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म करता हो वो क्या देता तो SN1 रिएक्शन में जाता है। दूसरी फैक्टर जो SN1 रिएक्शन को अफेक्ट करती है नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। तो ऑब्वियसली लिविंग ग्रुप, जितनी बेटर लिविंग ग्रुप होगी मतलब ये जितना आसानी से सबस्टेट को छोड़े, जितनी बेटर लिविंग ग्रुप होगी उतनी ज्यादा रेट ऑफ SN1 रिएक्शन होती है। तो ऑब्वियसली सेकेंड फैक्टर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब SN1 रिएक्शन को अफेक्ट करता है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अफेक्ट करता है, दैट इज नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। तो ये तो SN2 है SN1 सब में ये लागू होगा, क्योंकि जितना बेटर लिविंग ग्रुप होगा उतना आसानी उतनी कम एनर्जी लगेगी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में, मतलब उस रिएक्शन की गति ज़्यादा होगी। अगर यहाँ बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी लगी तो ऑब्वियसली ज़्यादा रिएक्शन की गति होगी। तो सेकेंड फैक्टर जो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन को अफेक्ट करता है नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। तो बेटर बिल लिविंग ग्रुप जितनी बेटर होगी ग्रेटर बिल उतनी ज्यादा होती है क्या तो ग्रेटर बिल उतनी ज्यादा होती है क्या तो ग्रेटर बिल तो बेटर बिल लिविंग ग्रुप ग्रेटर बिल रेट ऑफ उतनी ज्यादा क्या होगी तो ग्रेटर बिल रेट ऑफ व्हाट तो SN1 रिएक्शन। तो आपको मैंने बताया था जो लिविंग एबिलिटी होता है ग्रुप की, लिविंग एबिलिटी ऑफ ग्रुप वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसके तो स्टेबिलिटी के, मतलब मोर स्टेबल ग्रुप होती है इसीलिए आप कह सकते हैं कि अगर मान लेते हैं ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, ऑब्वियसली इसकी जो रिएक्टिविटी टर्शियरी अल्काइल आयोडाइड की जो रिएक्टिविटी होगी SN1 रिएक्शन की ज़्यादा होगी किससे तो ये ज़्यादा होगी किससे तो टर्शियरी अल्काइल ब्रोमाइड से ज़्यादा होगी किससे ऑब्वियसली टर्शियरी अल्काइल क्लोराइड से ज़्यादा होगी किससे तो टर्शियरी अल्काइल ऑब्वियसली फ्लोराइड से। ऐसा क्यों होता क्योंकि जो स्टेबिलिटी होती है किसकी तो I- की ज़्यादा होती है किससे तो Br- से ज़्यादा होती है, Cl- से ज़्यादा F- इसीलिए जो लिविंग एबिलिटी होती है जो लिविंग सबस्टेट को छोड़ने की जो एबिलिटी होती है ऑलरेडी पिछले क्लास में बताया मैंने लिविंग एबिलिटी जो होती है वो I- की ज़्यादा होती है किससे तो Br- से ज़्यादा Cl- से ज़्यादा F- से। तो बेटर बिल लिविंग ग्रुप ग्रेटर बिल रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। तो मेरे यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ सबस्टेट है तो वह सबस्टेट जिसमें कार्बन के पास स्टेरिक हिंड्रेंस हो और मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म करे, वो प्रीडोमिनेंटली क्या जाता SN1 जाता है। जितनी बेटर लिविंग ग्रुप होगी उतनी ज्यादा रेट ऑफ SN1 रिएक्शन होगी। न्यूक्लियोफिलिसिटी अफेक्ट नहीं करता है क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है SN1 रिएक्शन में, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके तो सबस्टेट के, न्यूक्लियोफाइल से अफेक्ट ही नहीं होता। तो ध्यान रखेंगे नोट न्यूक्लियोफिलिसिटी डू नॉट अफेक्ट रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। तो नोट ध्यान रखें न्यूक्लियोफिलिसिटी नॉट अफेक्ट रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन की जो रेट है उसको अफेक्ट नहीं करता है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन, फर्स्ट वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्टेट, तो वह सबस्टेट जिसमें कार्बन के पास मोर स्टेरिक होगी और जो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म करता है वो SN1 रिएक्शन में जाता है। जैसे बेंजाइल हैलाइड में प्रीडोमिनेंटली SN1 होती है, मतलब इसमें सबसे ज्यादा होगा,
उसके बाद टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, उसका सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड प्रीडोमिनेंटली SN2 होता है। दूसरी फैक्टर नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, जितनी बेटर लिविंग ग्रुप होगी उतनी ज़्यादा रेट ऑफ SN1 रिएक्शन होगी, जितना आसानी सबस्ट्रेट को अगर छोड़ेगा उतनी तेजी से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा, मतलब रेट ऑफ SN1 रिएक्शन ज़्यादा होगी। तो बेटर लिविंग ग्रुप कौन सी होती है, तो जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इसी यही कारण है कि I- बेटर लिविंग ग्रुप होता है किससे, तो Br-Cl- ज़्यादा F- न्यूक्लियोफिलिसिटी अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। करें विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज एक्सक्लूसिवली बाय SN1 रिएक्शन, करें निम्नलिखित में से कौन सी एक्सक्लूसिवली SN1 रिएक्शन देगा। तो SN1 रिएक्शन कहां पर होती है, जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस, तो वह सबस्ट्रेट जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस होती है और जो मोर स्टेबल कार्बोकेटन फॉर्म करता है वो SN1 रिएक्शन देता। तो बेंजाइल क्लोराइड, आपको अभी जस्ट में बता रहा था, बेंजाइल क्लोराइड में, बेंजाइल क्लोराइड मतलब C6H5 क्या, तो C6H5CH2Cl, इसमें क्या तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी है और ये मोर स्टेबल कार्बोकेटन फॉर्म करता है, इसलिए एक्सक्लूसिवली क्या देता है, तो SN1 रिएक्शन देता है। ओबीसी इथाइल ब्रोमाइड ये CH3CH2 भी है Cl, ओबीसी ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड प्रीडोमिनेंटली SN2 देगा। ये क्लोरोबेंजीन, क्लोरो मतलब C6H5Cl, ध्यान दीजिए इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होती, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये क्लोरीन के पास लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आती हैं और ये पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन इधर चली जाती है, मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, ध्यान रखिएगा इसको, ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, यहाँ पर ये Cl+ ये माइनस, ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाने से इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होती, ना तो SN1 होगी ना तो SN2 होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या कर लेता, तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर अडॉप्ट कर लेता, क्यों, ड्यू टू मेजोमेरिक इफेक्ट। मेजोमेरिक इफेक्ट कैसे, तो यहाँ क्लोरीन के पास लोन पेयर है, ये पाई बॉन्ड के साथ डीलोकलाइजेशन करता है और यहाँ पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड करेक्टर ले आता है, इस कारण से यहाँ पर ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं होगी, मतलब ये क्लोरोबेंजीन ना तो SN1 जाएगा ना तो SN2 जाता ऑर्डिनरी कंडीशन पर। तो ध्यान रखेंगे जो क्लोरोबेंजीन होता उसमें ना तो SN1 होती ना तो SN2 होती ऑर्डिनरी कंडीशन पर। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड दैट इज CH3, ये CH3CH, ये CH3Cl, ये क्या तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, तो ये क्या तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, इसमें SN1 और SN2 दोनों हो सकती है। करें एक्सक्लूसिवली किसमें SN1 होगी, तो एक्सक्लूसिवली SN1 कहाँ पर होगी, जो स्टेरिक हिंड्रेंस होगी और जो मोर स्टेबल कार्बोकेटन फॉर्म करेगा, मतलब बेंजाइल क्लोराइड में क्या होती, तो एक्सक्लूसिवली SN1 रिएक्शन होती है, इसमें से PMT में पूछा हुआ है। करें द क्लोरो कंपाउंड विच शोज कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन, मतलब SN2 रिएक्शन, करें किसमें आपको इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन होगी, किसमें SN2 रिएक्शन होगी, तो हमने पढ़ा कि SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, लिविंग ग्रुप फ्रंट साइड से डिपार्ट करती है, मतलब सबस्ट्रेट जिसमें कार्बन के ऊपर सबसे कम स्टेरिक होगी वहां पर न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप फ्रंट साइड से डिपार्ट करेगी, मतलब SN2 रिएक्शन देगा। तो ऑब्वियसली यहां पर ये आपका क्या है, तो ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, ये आपका क्या तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, ये आपका क्या तो सेकेंडरी अल्काइल है, जबकि मिथाइल क्लोराइड है, मतलब यहां स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, मतलब ये क्या देगा, SN2 रिएक्शन देगा। ये भी पूछा है जेई मेन में, ये आइए करें कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज, करें इन सारे कंपाउंड में कि SN2 रिएक्टिविटी की ऑर्डर बताइए। तो SN2 रिएक्शन कहां पर होती है, जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, तो अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप फ्रंट साइड से डिपार्ट करेगी, तो ऑब्वियसली किसमें सबसे, तो जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगी वहां पर, ऑब्वियसली जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगी वहां पर न्यूक्लियोफाइल आसानी से बैक साइड से अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप फ्रंट साइड से डिवाइड करेगी, तो ऑब्वियसली मिथाइल क्लोराइड में यहाँ पर 3 हाइड्रोजन छोटे छोटे एटम है, यहाँ पर ऑलरेडी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं, मतलब फर्स्ट में SN2 की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी किससे, तो सेकेंड में ज्यादा होगी किससे, ये मिथाइल क्लोराइड है, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है और ये क्या है तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो जाएगी, तो फर्स्ट ग्रेटर होगी, सेकेंड से ग्रेटर, थर्ड ग्रेटर, फोर्थ, मतलब ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नाउ कर राइट मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, कर इन सारे रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट लिखिए। ये अल्काइल हैलाइड NaOCH3, अब देखिए NaO जैसे NaCl, जैसे NaOH को पानी में डालते हैं तो Na+ अलग, OH- अलग हो जाता, उसी तरह से NaOCH3 कहने का मतलब यहाँ पर एक तरह से ये क्या है, यहाँ NaOCH3 कहने का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर आपका एक तरह से क्या, तो ये CH3 ये CH2 Br है
ऑब्वियसली आपको मैंने बताया कि Na+ प्लस जैसे NaOCl3 है, जैसे NaOH लेते थे तो Na प्लस जस्ट स्पेक्टेटर आयन होता था, उसी तरह से यहाँ भी क्या है, इसको अगर आप ट्रीट करेंगे NaOCl3 तो ये टूट जाएगा Na+ प्लस और OCl3- में, मतलब ये टूट जाएगा किस में, Na+ प्लस और NaOCl3 टूट जाएगा किस में, तो Na+ प्लस और OCl3- में, OCl3- में, तो यहाँ पर Na+ प्लस जस्ट क्या है, तो स्पेक्टेटर आयन है। तो ऑब्वियसली एल्काइल ब्रोमाइड इसको आप ट्रीट करेंगे किसके साथ, OCl3- के साथ, OCl3- के साथ, तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगा, तो ऑब्वियसली ये सी है, इसके ऊपर क्या, तो ये CH3 है, ये H है, ये H है, ऑब्वियसली ये Br है। ऑब्वियसली अगर Na इथाइल ब्रोमाइड को आप ट्रीट कराइए किसके साथ, तो अगर इथाइल ब्रोमाइड को आप ट्रीट कराइए किसके साथ, तो सोडियम मिथॉक्साइड के साथ, ये सोडियम मिथॉक्साइड के साथ, तो क्या देगा, तो ऑब्वियसली ये Br के ऊपर थोड़ी सी निगेटिव चार्ज, यहाँ पर थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज है, OCl3- क्या, तो न्यूक्लियोफाइल है, OCl3- क्या, तो न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर बैक साइड से अटैक करेगा, और Br- क्या होगी, तो फ्रंट साइड से डिपार्ट करेगी, तो ये क्या दे देगा, तो OCl3 ये क्या दे देगा, तो ये OCl3 और ये क्या, तो ये सी, ये CH3, ये CH, ये H, और यहाँ से Br- क्या होगी, तो डिपार्ट कर जाएगी। तो बेसिक यहाँ पर OCl3- बैक साइड से अटैक करा, Br- फ्रंट साइड डिपार्ट करी और प्रोडक्ट दे दिया, मतलब सिंपल वर्ड में क्या हुई, तो यहाँ ब्रोमीन को हटा करके, यहाँ पर ब्रोमीन को हटा करके क्या आ गया, तो OCl3 आ गया, मतलब ये CH3 CH2 ये आपका क्या दे दिया, तो ये CH3 ये CH3 ये O ये CH2 CH3 ये CH2 CH3 ये आ गया, मतलब यहाँ पर क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्डिवीजन हो गया, मतलब ब्रोमीन को हटाकर OCl3। उसी तरह से अगर ये इथाइल ब्रोमाइड को NaCl से ट्रीट कराएंगे तो Na+ तो जस्ट स्पेक्टेटर आयन है, तो यहाँ पर क्या होगी, तो ब्रोमीन को हटा करके क्या आ जाएगा, तो CN आ जाएगा, मतलब यहाँ प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएंगी, यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगी CH3 ये CH2 ये CH3 CH2 ये ब्रोमीन को हटाकर कौन आ जाएगा, तो CN, और ये Na+ स्पेक्टेटर आयन और Br- मिल करके क्या दे देगा, NaBr दे देगा, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगी। उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ एल्काइल ब्रोमाइड NaSH, यहाँ Na+ और SH- अलग अलग होगी, तो यहाँ Na+ जस्ट स्पेक्टेटर आयन, यहाँ पर क्या होगी, तो ब्रोमीन को हटा करके कौन आ जाएगा, जैसे यहाँ ब्रोमीन को अगर CN आ गया, उस तरह से ब्रोमीन को हटा कर क्या आ गया, SH, क्योंकि Na+ जस्ट स्पेक्टेटर आयन है, तो ये क्या होगा, तो आपको CH3 ये CH2 SH हो जाएंगे, प्लस ये क्या, तो NaBr। उसी तरह से अगर इसे अगर हम ट्रीट करें तो Na+ तो जस्ट स्पेक्टेटर आयन है, क्या होगा, तो Br को हटा करके आ जाएगा, मतलब ये सिंपली क्या दे देगा, तो ये CH3 ये CH2 ओबीसी ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी ये CH3 प्लस क्या ये CH3 प्लस क्या, तो ये NaBr प्लस NaBr ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रही, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, ब्रोमाइड को यहाँ पर मिथॉक्साइड ने सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ ब्रोमाइड को साइनाइड ने सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ ब्रोमाइड को SH ने सब्स्टिट्यूट किया, ब्रोमाइड को ओबीसी OCS ये एल्काइनाइड ने सब्स्टिट्यूट किया, तो ये सब एग्जाम्पल है किसके, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो आज के लेक्चर हम लोग यहीं पर इसे समाप्त करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके बाय।